नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की सुर्खियों। भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर 6 अप्रैल को आएगी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। इथेनॉल को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार ने घोषित किया स्टैंडर्ड फ्यूल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व बैंक के साथ अगले महीने होने वाली बैठक से पहले कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमिक सुधार के रास्ते पर है। IMF 6 अप्रैल को अपना विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी करने वाला है। IMF के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमिक सुधार की राह पर है और 2020 की चौथी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि फिर से सकारात्मक हो सकती है। ऐसा महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार होगा। यह सकल स्थिर पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी द्वारा समर्थित है। राइस ने कहा कि इसके अलावा इस साल की पहली तिमाही में PMI और आंकड़े सुधार का संकेत दे रहे हैं। हालांकि हाल में कोरोना की दूसरी लहर और स्थानीय स्तर पर कई शहरों में लॉकडाउन के कारण कुछ जोखिम जरूर पैदा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आने से आज घरेलू स्तर पर लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली में पेट्रोल 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। तेल विपणन करने वाली कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 90.78 रुपए और डीजल 81.10 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। इससे पहले लगातार 24वें दिन तक इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। पिछले महीने लगातार 16 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे लगभग हर शहर में दोनों ईंधनों के दाम सार्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 16 दिन में करीब 15% गिर चुका है। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर के चलते वहां ईंधन की मांग घटने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमत घटकर $60 प्रति बैरल पर आ चुकी है। आमतौर पर जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने पर तेल की कीमतों में बदलाव नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच तेल की कीमतों में कमी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। विश्व की कई प्रमुख मुद्राओं में मिश्रित रुख और घरेलू शेयर बाजार में जारी गिरावट के कारण अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में गुरुवार को रुपया 7 पैसे गिरकर 72.62 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 72.55 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट लेकर खुला और सत्र के दौरान यह 72.58 के उच्चतम स्तर और 72.69 रुपए प्रति डॉलर के निचले स्तर के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस की तुलना में 7 पैसे कमजोर होकर 72.62 रुपया प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 2,24,00,000 करदाताओं को 2.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर राशि वापस किए हैं। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 22 मार्च 2021 के बीच व्यक्तिगत आयकर मद में 79,483 करोड़ रुपए और कंपनी कर मद में 1.34 करोड़ रुपए वापस किए गए। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि CBDT ने 1 अप्रैल 2020 से 22 मार्च 2021 के बीच 2,24,00,000 करदाताओं को 2,13,823 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि लौटाई है। इसमें आयकर मद में 2,21,92,812 मामलों में 79,483 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी कर मद में 2,22,188 मामलों में 1,34,340 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। केंद्र सरकार ने इथेनॉल को स्टैंडर्ड फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और अब तेल कंपनियों को सीधे E100 बेचने की अनुमति मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले के बाद इथेनॉल को आम फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इस फ्यूल का इस्तेमाल उन्हीं गाड़ियों में होगा जो E100 कंपैटिबल होगी।
अगर आसान शब्दों में कहें तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन वैसे तो गन्ने से होता है, लेकिन अब सरकार चावल से भी इसे तैयार करने की योजना बना रही है। इसे पेट्रोल में मिलाकर 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम किया जा सकता है, साथ ही इससे सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम किया जा सकता है। इससे आम लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर 6 अप्रैल को आएगी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। इथेनॉल को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार ने घोषित किया स्टैंडर्ड फ्यूल। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।